गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, आ जाओ फटाफट से। गुड इवनिंग गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, मेरी आवाज आ रही है कि एक बार मेरे को बता दीजिए सब लोग। मेरी आवाज जो है वो सभी को आ रही है क्या? सभी के कानों से दिलों तक होते हुए जा रही है क्या? नहीं सॉरी, कानों से होते हुए दिलों तक जा रही है क्या? चलिए भाई साहब, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। जस्ट एक सेकेंड। चलिए चलिए। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़े थे? स्टैंड अप इंडिया हम लोगों ने लास्ट क्लास में पूरा खत्म करे थे, ठीक है ना? आई होप सभी लोग आ गए हैं अब। सो डायरेक्टली हम क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, ठीक है ना? लास्ट क्लास में हमने स्टैंड अप इंडिया पूरा कंप्लीट करे थे। वहां पे हमने बात करे थे खड़े हो जाओ इंडिया, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम क्या करी थी, लॉन्च करी थी, जिसके अंदर गवर्नमेंट वुमेन्स और एससी एसटी एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उन लोगों को गवर्नमेंट क्या दे रही है, बेनिफिट्स दे रही है। तो जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, एससी एसटी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उन लोगों को गवर्नमेंट यहाँ पे क्या दे रही है, मतलब बेनिफिट्स दे रही है। तो ये दो लोगों को गवर्नमेंट बेसिकली क्या देने वाली थी यहाँ पे, बेनिफिट्स। और बेनिफिट के तौर पर यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया जा रहा है उनको, 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन जो है वो क्या करा जा रहा है, दिया जा रहा है, ठीक है ना? और वो काई के लिए दिया जा रहा है, मेरे साथ रिपीट करेंगे, मालक काई के लिए दिया जा रहा है, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है ना? उसके बाद हमने देखे थे 18 साल से ऊपर होना चाहिए, आपने कोई लोन पहले डिफॉल्ट नहीं करा होना चाहिए। अच्छा, मजे की बात, जो आपका ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है वो हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग में हो, सर्विस सेक्टर में हो, अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में हो, या ट्रेडिंग सेक्टर में हो, इनमें से किसी में भी हो सकता है। अच्छा, मजे की बात यह है कि उसमें 85% तक का आपको क्या मिलेगा, जो भी आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है, प्रोजेक्ट कॉस्ट का 85%, प्रोजेक्ट कॉस्ट का 85% तक का आपको क्या मिलेगा, मालक लोन मिलेगा। बचा हुआ 15% आपकी क्या रहेगी, मार्जिन मनी रहेगी, ठीक है ना? इंटरेस्ट रेट MCLR +3% प्लस टेन्योर प्रीमियम रहने की बात करी गई थी। मैक्सिमम पेमेंट, मैक्सिमम लोन पीरियड 7 ईयर्स है विद 18 मंथ्स ऑफ मोरेटोरियम। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या करी थी, ये एक लास्ट क्लास में हम लोगों ने सारी चीजें क्या कर ली थी, मालक बता दी थी, क्लियर, हमने पढ़ लिए थे ये। नेक्स्ट स्कीम के ऊपर मैं आ जाता हूँ डायरेक्टली। अच्छा, नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज को भी लोन मिलेगा, बस शर्त 51% वुमन या SC ST एंटरप्रेन्योर्स का होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं हम स्टार्टअप इंडिया की। किसकी बात करते हैं अब हम, स्टार्टअप इंडिया की। सब ये क्या है, बेसिकली अगेन गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी कंट्री में क्या प्रमोट हो, इनोवेशन प्रमोट हो, इनोवेशन प्रमोट हो। मालक देखो, स्टार्टअप का मतलब क्या होता है, नया बिजनेस कुछ स्टार्ट करना, नया कोई धंधा स्टार्ट करना, ठीक है ना? अब नए नए लोग नए नए धंधे स्टार्ट करें तो उसके लिए गवर्नमेंट ने उनको एक बेनिफिट दिया हुआ है। एंड वो बेनिफिट के तौर पर गवर्नमेंट उनको क्या बोल रही है, गवर्नमेंट बहुत सिंपल सी उनको बात बोल रही है कि मालक हम आपको स्टार्टअप इंडिया के तहत बहुत सारे बेनिफिट्स देंगे। सो स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो है बेसिकली इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वेल्थ क्रिएशन। मतलब देखो, आप समझो बात को, जितने ज्यादा स्टार्टअप्स हमारी कंट्री में बनेंगे उतना ज्यादा हमारी कंट्री के अंदर पैसा आएगा, उतनी ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेंगी। अरे यार, तुम सोचो ना, एक टाइम पे स्विगी जोमैटो नहीं हुआ करता था, तब किसी ने सोचा था क्या, स्विगी जोमैटो जब नहीं हुआ होता था कि घर बैठे भैया मेरे को भूख लग रही है, भैया मेरे को रसगुल्ला खाना है, रसगुल्ला प्रकट हो जाए, तो यहां से एक बटन दबाया, टक टक टक, जोमैटो पे ऑर्डर, टक वहां से जोमैटो वाला आ गया, भैया रसगुल्ला, यही हो गया ना, और क्या हो गया। बस फर्क यह है कि प्रकट होने में आधा घंटा लग जाता है। तुमने अभी सोचे मेरे को रसगुल्ला खाना है, आधे घंटे में रसगुल्ला तुम्हारे हाथ में। तुमने सोचे मेरे को अभी पनीर की सब्जी खाना है, पनीर की सब्जी आधे घंटे में हाथ में। सो व्हाट इज द पॉइंट, ये सब स्टार्टअप्स ही तो है और क्या है। सो गवर्नमेंट ये स्टार्टअप्स को प्रमोट करना चाहती है ताकि हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट क्या हो, क्रिएट हो। ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अगर हमारी कंट्री में क्रिएट होता है, ठीक है ना, इस एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स हमारी कंट्री में क्या हो, बने। इसी के लिए गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया स्कीम लेके आई। तो दिस स्टार्टअप इंडिया स्कीम इज एन इनिशिएटिव। हाँ, रसगुल्ला चालू मत करो, चैट में इधर ध्यान दो, और नालायक लाइक, इतने कंजूस लोगों लाइक ही नहीं करे अभी तक,
नहीं सर वो बताना पड़ता है सर, घर के लोग थोड़ी ना, हम बाहर के लोग हैं, ऐसा है क्या? घर के नहीं हो क्या? नहीं मैं तो घर के मान रहा हूँ, घर के हो ना, लाइक करो चलो। हाँ, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वेल्थ क्रिएशन। द गोल ऑफ स्टार्टअप इंडिया इज टू डेवलपमेंट एंड इनोवेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया। तो गोल जो है स्टार्टअप इंडिया का बेसिकली वो यही है कि गवर्नमेंट इनोवेशन प्रमोट करना चाहती है। जितने ज्यादा नए बिजनेसेस आएंगे, जितना ज्यादा न्यू न्यू स्टार्टअप्स आएंगे, उतना ज्यादा हमारी कंट्री में इनोवेशन होगा। आप सोचो ना, जोमैटो स्विगी ये एक प्रकार की इनोवेशन ही तो है। फूड डिलीवरी एप्स के बारे में लोगों ने पहले 10 साल पहले सोचा ही नहीं था, 5 साल पहले, 6 साल पहले नहीं सोचा था कि भैया तुम जो नाम लोगे वो तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, किसी ने नहीं सोचा था। इनोवेशन है। आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही, इनोवेशन, नए नए स्टार्टअप्स आ रहे। तो ये क्यों नए नए स्टार्टअप्स आप आ रहे थे कि गवर्नमेंट इनको क्या कर रही है, क्योंकि प्रमोट कर रही है। सो गवर्नमेंट चाहती, देखो गवर्नमेंट का दो इंटेंशन है, ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन हो और उसके साथ साथ बेनिफिट्स मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब मिले। सो बेसिकली ये इनिशिएटिव के पीछे गवर्नमेंट के दो इंटेंशन है, एक तो इनोवेशन प्रमोट करना, दूसरा जॉब क्रिएशन। जितना ज्यादा इनोवेशन होगा उतनी ज्यादा हमारी कंट्री में स्टार्टअप प्रमोट होंगे, जितने ज्यादा स्टार्टअप प्रमोट होंगे उतना ज्यादा इनोवेशन एंड जॉब क्रिएशन होगा। सो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव जो है इसकी मेन दो ही इंटेंशन है, एक टू क्रिएट जॉब्स एंड सेकेंड इज जॉब क्रिएशन। एक तो इनोवेशन एंड सेकेंड इज सॉरी जॉब क्रिएशन, ये दो इसकी क्या है इनिशिएटिव्स है। हाँ अच्छा, बेसाइड स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स गवर्नमेंट ने स्टार्टअप में क्या बेनिफिट देना चालू करे, यहां पे आपको दिख रहा होगा ना, फाइनेंस सपोर्ट, गवर्नमेंट टेंडर्स, ये नीचे हम एक एक करके पढ़ेंगे। जो बेनिफिट्स आपको यहां पे दिख रहे हैं ना, बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टअप इंडिया, यहां लाइंस में से नहीं हम कब पढ़ रहे, नीचे से पढ़ेंगे, ये नीचे वही दिया हुआ है वन बाय वन। सो बेसिकली ये कब लाया गया स्टार्टअप इंडिया स्कीम, ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम लाई गई 16 जनवरी 2016 को। देखो मेक इन इंडिया 2014, स्टैंड अप इंडिया 2015, स्टार्टअप इंडिया 2016, वापस से मेक इन इंडिया 2014, स्टैंड अप इंडिया 2015 और स्टार्टअप इंडिया 2016, ये क्या करा गया स्कीम लाया गया। क्लियर? अब गवर्नमेंट क्या बेनिफिट दे रही है भैया स्टार्टअप्स को, ताकि स्टार्टअप प्रमोट हो, क्या गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है? सो माला गवर्नमेंट ने 5 बेनिफिट दिए हुए हैं, 5 बेनिफिट्स के नाम मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ। पहला है फाइनेंशियल बेनिफिट गवर्नमेंट दे रही है। फाइनेंशियल बेनिफिट मतलब सर पैसे ऐसे दे रही है क्या? नहीं, गवर्नमेंट देखो गवर्नमेंट बोलती है भैया आप जो भी नई चीज लेके आओगे कोई उसको कॉपी ना कर ले, आप समझो बात को, आप कोई नया इनोवेशन कर रहे हो, आपने बढ़िया इनोवेशन करा, ऐसी चिप बना दी आपने जो चिप के अंदर पूरा बिजनेस एनवायरमेंट, पूरा करंट अफेयर, अरे छोड़ो पूरा CSET, पूरा एग्जीक्यूटिव एक चिप के अंदर डाल दिया जाए और वो चिप दिमाग में फिट कर दी जाए, अपना भी काम चालू है भैया। नहीं लोग हंस रहे होंगे मेरे ऊपर, क्या चकलस कर रहे हैं सूरज, बोले फालतू की बातें कर रहे हैं। तो जब तक तुम्हारे आइडिया पे लोग हंसे नहीं तब तक तुम्हारा आइडिया आइडिया ही नहीं है ना, तब तक फालतू है फिर। तो ऐसी चिप बनाना चाहते हैं भाई अपन कि तुम्हारे को इतना पढ़ाने से अच्छा एक पूरी क्लास का जो भी सूरज सदी या जिस स्टाइल में एक्शन में पढ़ाता है पूरा सब कुछ एक चिप के अंदर आ जाए और वो चिप बस तुम्हारे दिमाग में यहाँ पे लगा दी जाए और वो पूरी तरीके से वो ऑटोमेटिक रेस से तुम्हारे माइंड में क्या हो जाए, बैठ जाए, अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं। साका लाका बुम बुम एक आता था ऐसे कान पे लगाता था बुक, समझ में आई बात? सो अब ये मैंने चिप बनाया, मान लो इनोवेशन किया, अब आजकल कॉपी करने वालों की देर थोड़ी ना, पूरा गांव कॉपी करने के लिए बैठा है। एक चीज तुम नई लेके आओ दूसरे वाले कॉपी करने के लिए पहले बैठे रहते हैं। अब उन्होंने मेरा आइडिया चुरा लिया, कॉपी कर लिया और वो भी वो चिप बना बना के बेचने लगे, तो मेरी तो इतने साल की मेहनत बर्बाद होगी ना। इसीलिए गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आपका जो नया इनोवेशन है, आइडिया है, उसका आप क्या करा लो, वो आइडिया का, वो इनोवेशन का पेटेंट करवा लो। पेटेंट का मतलब होता है कि भाई अब ये आइडिया के ऊपर लीगल थप्पा लग गया है, अब ये आइडिया कोई भी मेरी परमिशन के बिना चोरी नहीं कर सकता। मतलब कोई भी कंपनी ये चिप मेरी परमिशन के बिना नहीं बना पाएंगी, क्योंकि इस चिप बनाने का जो आइडिया था, ये प्रोसेस थी जो बनाने की, वो प्रोसेस मैंने अपने नाम पे क्या करवा ली है, पेटेंट करवा ली, जिसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या बोला जाता है, इंटेलेक्चुअल मतलब दिमाग के, ठीक है ना, दिमाग से बनाई गई जो प्रॉपर्टीज होती है जिसको पेटेंट्स हम बोलते हैं, कॉपी राइट्स सुना होगा, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, ये सब क्या होते हैं कि आपकी चीजें कोई और कॉपी ना कर ले। सो बेसिकली इसके लिए क्या करवा लेते हैं, पेटेंट। तो स्टार्टअप इंडिया में गवर्नमेंट ने क्या बोली कि आप स्टार्टअप लेके आ रहे हो, आप कोई नया स्टार्टअप लेके आए, उसमें आपने कोई इनोवेशन करा, अब इनोवेशन का आपको पेटेंट करवाना है गवर्नमेंट के पास।
पर प्रॉब्लम पता है क्या है कि वो जो पेटेंट करवाना रहता है ना, पेटेंट की कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है। पेटेंट जो होता है उसकी कॉस्ट बहुत लगती है। इट इज लाइक कि भाई तुम अगर पेटेंट कराने जा रहे हो तो तुम्हारे को एक बहुत बड़ा अमाउंट देना पड़ रहा है गवर्नमेंट को कि भैया ये मेरी प्रोसेस आइडिया है, इसको तुम पेटेंट कर लो। तो गवर्नमेंट मान लो उसमें बहुत सारा पैसा मांग रही है तुम्हारे से फीस, कि तुम्हारा आइडिया को पेटेंट कराना है तो तुमको इतनी फीस भरनी पड़ेगी। अब वो बेचारा स्टार्टअप वाला बंदा नया नया धंधा लेके आया है, उसके बाद तो कुछ ही नहीं है, कोई पैसे वैसे नहीं है बेचारे के पास, तो वो बेचारा कहाँ से पेटेंट करवाएंगे अपने आइडिया को। तो गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट दिया उसको, गवर्नमेंट ने बोली कि तेरे स्टार्टअप के अंदर जो तेरे को पेटेंट करवाना है तेरा इनोवेशन को, तो जो चीज को तू पेटेंट करवाना चाहता है वो पेटेंट में लगने वाली जो कॉस्ट है तेरी, पेटेंट में लगने वाला जो तेरा खर्चा है, जो पेटेंट में लगने वाली तेरी फीस है, उसमें गवर्नमेंट तुमको 80% का रिबेट दे रही है, मतलब माफी दे रही है, छूट दे रही है, डिस्काउंट दे रही है, रिबेट दे रही है, माफी दे रही है, छूट दे रही है, डिस्काउंट दे रही है। मतलब सपोज करो कि वो पेटेंट कॉस्ट, वो पेटेंट को रजिस्टर्ड कराने की कॉस्ट, वो पेटेंट को गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड कराने की कॉस्ट मान लेते हैं 10 लाख रुपीज लग रही है। गवर्नमेंट बोलती है कि कोई दिक्कत नहीं है, 10 लाख रुपए फीस है हमारी, एक काम करते हैं, तू हमारा भाई है, तेरे लिए 80% का रिबेट, मतलब 80% रिबेट, मतलब तेरे को 10 लाख रुपए का 80%, 8 लाख रुपए की छूट दे दी, तू 2 लाख रुपए दे दे, 2 लाख रुपीज, 10 लाख × 80% 8 लाख रुपीज छूट, डिस्काउंट ओनली 20 रुपीज, 20 लाख, 2 लाख पे कर दे। सो पॉइंट इज दैट कि पेटेंट कॉस्ट जो है वो तुम्हारे को गवर्नमेंट उसमें क्या दे रही है, छूट दे रही है, ठीक है ना, उसमें गवर्नमेंट तुमको क्या दे रही है मालक, छूट दे रही है। तो पेटेंट कॉस्ट में बेनिफिट द मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप पेटेंट बेस्ड, सारे स्टार्टअप पेटेंट बेस्ड होते हैं, इट मीन्स प्रोडक्ट और प्रोवाइड यूनिक गुड्स एंड सर्विसेज, और वो यूनिक गुड्स एंड सर्विसेज के लिए क्या लगती है, उनकी पेटेंट को रजिस्टर कराने के लिए एक हैवी कॉस्ट लगती है, दे हैव टू इनकर अ हैवी कॉस्ट नोन एज पेटेंट कॉस्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट इज पेटेंट कॉस्ट, जो आपने रिसर्च करी, इनोवेशन कराया, उसको रजिस्टर कराने के लिए आपको क्या लग रही है, कॉस्ट लग रही है, दैट इज कॉल्ड एज पेटेंट कॉस्ट। जो अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट इज गिविंग यू 80% का रिबेट, मतलब गवर्नमेंट बोल रही है कि भैया अगर मान लो पेटेंट कॉस्ट 100 रुपीज लग रही है तो 80 रुपीज आपके लिए रिबेट, क्योंकि आप स्टार्टअप इंडिया के अंदर हो, और 20% आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो फर्स्ट बेनिफिट इज व्हाट, गवर्नमेंट इज गिविंग 80% का रिबेट। सेकंड बेनिफिट, इनकम टैक्स बेनिफिट दे रही है। गवर्नमेंट बोलती है कि भाई देखो तुम अगर स्टार्टअप इंडिया के अंदर स्टार्टअप लेके आ रहे हो, कोई नया धंधा लेके आ रहे हो, तो गवर्नमेंट बोलती है कि इंजॉय अंडर द इनकम टैक्स एग्जेम्पशन, मतलब बेसिकली गवर्नमेंट इज गिविंग यू 3 ईयर्स एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन बोले तो, एग्जेम्पशन बोले तो टैक्स में छूट, माफी। गवर्नमेंट बोलती है कि भाई देख तेरा जो बिजनेस है वो बिजनेस में हम तेरे को 3 साल का क्या दे रहे, एग्जेम्पशन दे रहे, एग्जेम्पशन दे रहे मतलब 3 साल की छूट दे रहे, छूट दे रहे मतलब 3 साल तक तेरे को कोई भी इनकम पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये बात याद रखो, हमारी कंट्री में जो भी धंधा करता है, बिजनेस करता है, उसको बिजनेस की जो कमाई होती है, इनकम जो होती है, उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ता है। तुमने 100 रुपये कमाए, गवर्नमेंट 30 रुपये तुमसे टैक्स लेंगी। तुम 1000 कमाओगे, गवर्नमेंट 300 लेंगी। तुम 10,000 कमाओगे, गवर्नमेंट 3,000 लेंगी। तुम 1 लाख कमाओगे, गवर्नमेंट 30,000 लेंगी। बट गवर्नमेंट ने स्टार्टअप वालों को क्या बोल दिया कि 3 साल तक तुम्हारे को 1 भी रुपए का टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, किसी को बताना मत, गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है, 3 साल तक तुमको 1 भी रुपए का टैक्स देने की जरूरत नहीं है, बताओ सर। अब बच्चा पूछता है पेटेंट कहाँ जाके करेंगे, तो भाई उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, गवर्नमेंट के पास ही जाके करते हैं, तुम इतना ही याद रखो। अभी तुमको पेटेंट करने की प्रोसेस थोड़ी ना यहाँ पढ़ेंगे, वो तो पढ़ेंगे आगे इसमें, मतलब एग्जीक्यूटिव वगैरह लेवल पे। नहीं नहीं सर, हमको आज ही सीएस बनना है सर, हमको बहुत जल्दी है सर, ऐसा तो नहीं है ना। अच्छा, ये 5-7 लोग टाइम पास कर रहे हैं शायद चैट में, तो आई थिंक उनको इग्नोर करके पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। तो देखो वहाँ पे क्या बोलते हैं कि एग्जेम्पशन फॉर 3 ईयर्स, ठीक है ना, उनको कोई टैक्स वैक्स देने की जरूरत नहीं है, जो बर्थडे कैन अवेल एनी सर्टिफिकेट फ्रॉम इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड, मिनिस्टर वगैरह से सर्टिफिकेट लेके आ जाओ गवर्नमेंट से। तो बेसिकली आपको याद ये रखना है कि 3 साल तक उनको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, पहली चीज़ आपको ये याद रखना है स्कीम में कि आपको 80% तक का रिबेट मिलेगा, दूसरी आपको ये याद रखना है कि 3 ईयर्स तक आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको ये भी समझा रहा हूँ कि याद क्या क्या रखना है इसके अंदर से, पॉइंटर्स जिसके अंदर से एमसीक्यू बन सकते हैं, वो सारे पॉइंटर्स मैंने मार्क करे हुए। रजिस्ट्रेशन बेनिफिट मालक ये क्या होता है, अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक और बेनिफिट दे दी। गवर्नमेंट बोलती है कि एवरीवन बिलीव्स दैट इनोवेशन सॉरी इनकॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ अ बिजनेस इज फार मोर डिफिकल्ट देन रनिंग इट,
इट इज बिकॉज ऑफ दी लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स स्टेप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन. भैया देखो, स्टार्टअप करने वाले जो लोग रहते हैं ना, 20-25 साल के लड़के रहते हो, 20-25-30 साल के, इनको ऐसा लगता है, या ये फैक्ट भी है कहीं ना कहीं, इनको ऐसा लगता है कि भाई बिजनेस चलाना वो बहुत आसान है, रैदर उसको गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करवाना. यानी तुम अपनी कंपनी रजिस्टर करवा रहे हो अपने नाम से, सोनू मोनू प्राइवेट लिमिटेड, तुम अपनी कंपनी क्या करा रहे हो, रजिस्टर करा रहे हो गवर्नमेंट के पास. सो बेसिकली ये सब चीज़ें जो है इनको लगता है कि ये ज़्यादा डिफिकल्ट है, गवर्नमेंट के पास कंपनी इनकॉर्पोरेट करना, रजिस्टर करवाना. बिजनेस करना आसान है बोले, हमने भैया जोमैटो का बिजनेस करे वो आसान है, पर जोमैटो को कंपनी बना के रजिस्टर कराना ये मुश्किल काम है. तो गवर्नमेंट बोले तू टेंशन मत ले, तू धंधा कर, ए धंधे पे धंधे, तू तू धंधा कर, हम बैठे हैं तेरे लिए. तो गवर्नमेंट अंडर दिस स्कीम बोलती है कि एप्लीकेशन इज देयर टू फैसिलिटेट रजिस्ट्रेशन, सिंगल मीटिंग इज अरेंज फॉर स्टार्टअप इंडिया हब. एक स्टार्टअप इंडिया हब गवर्नमेंट ने बना दी, जहाँ पे गवर्नमेंट बोलती है कि जो भी स्टार्टअप वाले हैं उनको अपना बिजनेस जो है गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करवाना है, कंपनी रजिस्टर करवानी है, नई कंपनी बनवानी है, तो तुम लोग कुछ मत करो, एक सिंगल मीटिंग के लिए स्टार्टअप इंडिया हब चले जाओ, वहाँ पे तुम्हारे सारे डाउट्स और प्रॉब्लम क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे. तुमको एक सिंगल मीटिंग के अंदर सिंगल विंडो मिल जाएंगे, सिंगल मीटिंग के अंदर तुम्हारी कंपनी क्या हो जाएंगी, सीधी सीधी रजिस्टर्ड हो जाएंगी, तुम्हारे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. नहीं तो भैया वो गवर्नमेंट का चक्कर लगा रहे, अरे बाबूजी हमने काम चालू किया नया वाला, हमारे लिए भैया हमारी कंपनी रजिस्टर करा दो, हमने एक बहुत बढ़िया काम चालू करे. कौन सा काम किया है, काय का काम, बहुत काम करेगा क्या तू, हाँ बेचारा गवर्नमेंट वाला ऐसा बोल रहा है. ऐसा नहीं होता है यहाँ, तुम चले जाओ स्टार्टअप इंडिया और वहां जाके तुम अपना बिजनेस क्या कर लो, रजिस्टर करा लो, सिंगल मीटिंग में तुम्हारा काम हो जाएगा. फिर गवर्नमेंट ने दूसरी बात रखी, गवर्नमेंट टेंडर्स. बताओ जी, यानी देखो पहला बेनिफिट 80% रिबेट, दूसरा बेनिफिट 3 साल तक टैक्स नहीं लेंगे तुम्हारे से इनकम पे, 3 साल तक तुम जितना कमाओगे तो उस पर 1 रुपए की टैक्स देने की जरूरत नहीं है तुम्हारे को. तीसरा रजिस्ट्रेशन बेनिफिट. रजिस्ट्रेशन बेनिफिट का मतलब क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन में तुम्हारी सिंगल विंडो अरेंज कर दिए, तुम गवर्नमेंट का स्टार्टअप इंडिया हब चले जाओ, वहां पे तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, सिंगल मीटिंग अरेंज हो जाएंगी और सिंगल मीटिंग में तुम्हारी कंपनी वगैरह क्या हो जाएंगी, रजिस्टर्ड हो जाएंगी. तो तुम्हारे को कोई जूते घिसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जूते महंगे आते हैं आजकल, 80,000 रुपये का जूता आता है, जूते महंगे आते हैं, जूते घिसने की जरूरत नहीं है. आई एम जस्ट जोकिंग, ठीक है ना. सो पॉइंट इज दैट कि तुम चले जाओ और जाके अपना क्या करा लो, बिजनेस रजिस्टर करा लो. नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट टेंडर्स. व्हाट डू यू मीन बाय दैट, बेसिकली गवर्नमेंट टेंडर्स का मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक और चीज ला ली और गवर्नमेंट ने क्या बोली, देखो आपको पहले तो ये समझो व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट टेंडर्स. गवर्नमेंट टेंडर्स का मतलब होता है गवर्नमेंट ना बड़े बड़े काम करवाती है, जैसे गवर्नमेंट को रोड बनवाना है. अब रोड कौन बना के देगा, मोदी जी तो नहीं बनाएंगे रोड, ना गडकरी साहब रोड बनाएंगे. तो बेसिकली गवर्नमेंट को जो रोड बनाना है, या गवर्नमेंट को मेट्रो बनाना है, या गवर्नमेंट को समझ लो बुलेट ट्रेन बनवा चलाना है, या गवर्नमेंट को साफ सफाई करवानी है पूरे कंट्री के अंदर, तो ये सब काम गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज को देती है. आपको ये बात पता है कि नहीं, मालूम नहीं, मैं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट ये काम प्राइवेट कंपनीज को देती है. अब गवर्नमेंट को चाहिए कि भैया मेरे को यहाँ से वहाँ तक का रोड बनाना है, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या निकाली, ऑफर निकाली. क्या निकाली, ऑफर, कि भैया देखो हमारी रिक्वायरमेंट है, जैसे तुम्हारे को तुम्हारा घर बनाना है तो तुम क्या करते, ऑफर देते लोगों को कि भैया मेरे को मेरा घर बनाना है, आप बताओ कितने रुपए में बना दोगे, आप कितने में बना दोगे, आप कितने में बना दोगे. तो इसी को कहा जाता है टेंडर मंगवाना. टेंडर का मतलब होता है कि भाई जो तुमको काम करवाना है ना, गवर्नमेंट को जो काम करवाना है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफर निकालती है. दैट ऑफर इज नथिंग बट कॉल्ड एज टेंडर, कि भैया हमको रोड बनवाना है, प्राइवेट वालों को बोलती है. अब प्राइवेट वाले आके वहाँ पे क्या करते, बिड करते कि मैं भैया 1 करोड़ में बना दूंगा रोड, वो बोलता मैं 90 लाख में बना दूंगा, वो बोलता मैं 80 लाख में बना दूंगा, वो बोलता मैं फ्री में बना दूंगा, फ्री में कोई नहीं, मैं 75 लाख में बना दूंगा. सो बेसिकली पॉइंट्स क्या हो गया यहाँ पे, पॉइंट हो गया कि गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रही है, तुम्हारे को ऑफर दे रही है गवर्नमेंट के काम करने के लिए. इन शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड्स टेंडर का मतलब अगर मैं बोलूँ गवर्नमेंट टेंडर्स का, तो गवर्नमेंट को जो काम करवाने हैं उसके लिए वो पब्लिक को इनवाइट करती है, बड़ी बड़ी कंपनीज को इनवाइट करती है कि तुम आओ और आके हमारा ये काम करके दो. और उसमें वो कंपनीज अच्छा खासा क्या कमाती है, पैसा. अब मेरे को मान लो रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो मेरी तो निकल पड़ी 1 करोड़ रुपए का फायदा उसके अंदर. अब पहले क्या होता था, ये गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए लगता था आपको एक्सपीरियंस, प्रायर एक्सपीरियंस लगता था, तभी आपको गवर्नमेंट टेंडर मिलेगा जब आपके पास पहले से बहुत एक्सपीरियंस है अच्छा, नहीं तो आपको गवर्नमेंट टेंडर नहीं देती, आप एलिजिबल ही नहीं हो गवर्नमेंट टेंडर के लिए. मतलब आपको गवर्नमेंट वो का काम आप कर ही नहीं सकते क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है. बट अब स्टार्टअप इंडिया के लिए गवर्नमेंट ने एक चीज कर दी है, एवरीवन सीक टू एक्वायर गवर्नमेंट टेंडर्स बिकॉज ऑफ हाई पेमेंट्स, क्योंकि गवर्नमेंट टेंडर में पैसे बहुत होते हैं और लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो हर बंदे को चाहिए कि इसको गवर्नमेंट टेंडर मिल जाए. बट इट इज नॉट ईजी टू एक्वायर गवर्नमेंट टेंडर्स.
अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट गेट्स गवर्नमेंट इज गिविंग द प्रायोरिटी टू द स्टार्टअप्स इन गेटिंग गवर्नमेंट टेंडर्स. मतलब गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या कर दी ये स्कीम के तहत कि जो स्टार्टअप वाले हैं, अभी स्टार्टअप वालों के पास तो कोई एक्सपीरियंस होगा नहीं, तो गवर्नमेंट ने इनको क्या बोल दी कि भाई देख भले ही तेरे पास प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, भले ही तेरे पास पहले का कोई एक्सपीरियंस नहीं है कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, घर की बात है, बोले पहले का कोई एक्सपीरियंस नहीं कोई बात नहीं. अरे मुन्ना कोई बात नहीं, तेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अरे नहीं है भाई, तो भी गवर्नमेंट तुमको क्या देंगी, टेंडर प्रोवाइड करेंगी अगर तुम स्टार्टअप इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड हो तो. गवर्नमेंट तुमको प्रायोरिटी दे रही है काय के लिए, गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए, और तुम्हारे को प्रायर एक्सपीरियंस की भी कोई जरूरत नहीं है. मतलब बस फर्क क्या करना है तुम्हारे को, रविंद्र पढ़ाई कर जाके, हाँ तो तुमको करना क्या है, तुमको बस स्टार्टअप इंडिया के अंदर रजिस्टर करवाना है. अब तुमने कोई गवर्नमेंट टेंडर अप्लाई करे तो गवर्नमेंट तुमको ये नहीं बोलेंगी कि भैया देखो तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है हम तुमको टेंडर नहीं देंगे. नहीं 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 बिल्कुल देंगे तुमको टेंडर, क्यों नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे. तो गवर्नमेंट इज गिविंग यू द प्रायोरिटी कि भैया तुम अगर स्टार्टअप इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड हो तो तुम्हारे को प्रायोरिटी मिलेंगी काय में, टेंडर्स में, और तुम्हारे को प्रायर एक्सपीरियंस मतलब पहले का कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो ये भी चौथा बेनिफिट दे रही कि गवर्नमेंट तुम्हारे को प्रायोरिटी, प्रायोरिटी मतलब दो लोग खड़े हैं मान लो टेंडर देने के लिए, एक है जो स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड है, एक है जो स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है. तो गवर्नमेंट किसको चूज करेंगी इसमें से, किसको टेंडर देंगी, जो स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड है. प्रिफ्रेंस, प्रायोरिटी, समझते हैं ना, भेदभाव हिंदी में, जो तुम अपने मम्मी को बोलते होंगे, हाँ आप तो बस दीदी को ही प्यार करते, आप तो बस भैया को ही प्यार करते, आप उनको फेवर देते हो. तो यहाँ पे प्रायोरिटी का मतलब क्या हो गया, भैया तुमको पहला फेवर दिया जाएगा क्योंकि तुम स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड हो. इसीलिए ह्यूज नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी. अब ये क्या होता है, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी मीन्स द अपॉर्चुनिटी टू मीट द वेरियस स्टार्टअप स्टेक होल्डर एट अ प्लेस एंड अ टाइम. मतलब ये जो स्टार्टअप वाले बंदे होते हैं, गवर्नमेंट इनके लिए ना एक बढ़िया चीज ऑर्गेनाइज करी हुई है. गवर्नमेंट ने क्या करती है, साल में दो बार इनके लिए स्टार्टअप फेस्ट ऑर्गेनाइज करती है. क्या करती है मेरे साथ बोलो, स्टार्टअप फेस्ट, एनुअल फेस्ट बोलते हैं उसको, मेला गावरानी भाषा में, कॉन्फ्रेंस मेला ऐसा बोल सकते हैं आप, फेस्ट का मतलब, जहां पे सारे कंट्री के स्टार्टअप्स या उनसे रिलेटेड जो भी लोग होते हैं उन लोगों को बुलाया जाता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है. और जितने भी कंट्री में स्टार्टअप इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड लोग हैं उनको बुलाया जाता है, उनसे रिलेटेड जो भी लोग हैं वो सब भी वहां पे आते हैं. अब उससे क्या होता है कि स्टार्टअप वालों की एक दूसरे से क्या हो जाती, पहचान होना चालू हो जाती, बॉन्डिंग होना चालू हो जाती. मतलब ये भैया ये स्टार्टअप है, ओला वाला उबेर वाले से मिल रहा है, ओला वाला जोमेटो वाले से मिल रहा है, तो ये लोग आपस में क्या होते हैं वहाँ पे कनेक्ट होता है. तो ऐसा करके गवर्नमेंट अपनी तरफ से दो फेस्ट, फेस्ट मतलब मेला कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करती है साल में दो, एक डोमेस्टिक लेवल पे और एक इंटरनेशनल लेवल पे. समझ मेरी बात, तो डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे गवर्नमेंट ये फेस्ट को क्या कर रही है, ऑर्गेनाइज कर रही है. दिस इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट तुम्हारे को हेल्प कर रही है नेटवर्क बनाने में. नेटवर्क मतलब फ्रेंडशिप, दोस्ती, पहचान, हिंदी में पहचान बनाने में गवर्नमेंट तुम्हारी क्या कर रही है, मदद कर रही है बाय ऑर्गेनाइजिंग दिस टू एनुअल फेस्ट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हाँ, बच्चे बोलते हैं कि सर टेंडर लेने वाले बहुत होते हैं, तो वो तो रहेंगे ही ना हर जगह, बस गवर्नमेंट तुमको पहले प्रायोरिटी दे रही और कुछ नहीं. समझ नहीं बात, तो गवर्नमेंट स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंदर जो बंदे रजिस्टर्ड होते हैं उनको गवर्नमेंट क्या दे रही है, पांच बेनिफिट्स दे रही है. उनको गवर्नमेंट क्या दे रही है, पांच बेनिफिट्स, जो लोग स्टार्टअप इंडिया के अंदर क्या है, रजिस्टर्ड है. पहला बेनिफिट गवर्नमेंट उनको क्या दे रही है, एक बोलो मेरे साथ, पहला बेनिफिट क्या दे रही है गवर्नमेंट उनको, 80% का रिबेट काय में, पेटेंट कॉस्ट में. तो पेटेंट कॉस्ट में तुम्हारे को 80% का रिबेट मिलेगा. दूसरा इनकम टैक्स का बेनिफिट दे रही है, 3 साल तक तुमको इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है कोई भी. तीसरा रजिस्ट्रेशन बेनिफिट दे रही है कि भैया तुम्हारे कोई भी रजिस्ट्रेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, एक मीटिंग अरेंज करी जाएंगी, स्टार्टअप इंडिया हब में चले जाना, वहां तुम्हारा काम हो जाएगा. दूसरा तुम्हारे को गवर्नमेंट टेंडर्स में हेल्प कर रही है, भैया तुम्हारे को गवर्नमेंट टेंडर्स दिलवाने में भी बेनिफिट मिलेंगे कि तुमको गवर्नमेंट टेंडर्स अप्लाई करते हो तो भैया तुम्हारे को कोई पहले का एक्सपीरियंस वगैरह पूछा नहीं जाएगा, कोई एक्सपीरियंस पहले का रिक्वायर्ड नहीं है, कुछ नहीं, ठीक है ना, डायरेक्ट तुमको गवर्नमेंट टेंडर्स क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे. समझ में ही बात, यानी डायरेक्ट एज प्रायोरिटी मिलेंगी, प्रेफरेंस मिलेगा. दूसरा गवर्नमेंट तुम्हारे लिए 2 साल के एनुअल फेस्ट ऑर्गेनाइज कर रही है डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल, जहां पे जाके तुम क्या कर सकते हो, अपना नेटवर्किंग स्ट्रांग कर सकते हो. रविंद्र जाट पढ़ाई कर लेंगे एग्जीक्यूटिव की तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा बोलना है मेरे भाई, ठीक है ना, क्योंकि एग्जीक्यूटिव के पेपर आ रहे हैं तो आप यहाँ पे CSET में आके टाइम पास ना करें. मेरी ऐसी पर्सनल तुम्हारे राय है, मेरे को मालूम है तू नालायक है, पढ़ाई नहीं कर रहा हूँगा, लेकिन पढ़ाई कर, चल एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूटिव वाले जो भी आके यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं ना, मेरी उनसे दिली रिक्वेस्ट है कि मालक जाओ और जाके पढ़ाई कर लो, ठीक है ना, फालतू फुकट में यहाँ पे टाइम पास मत करो अपना. क्लियर?
अब बच्चा बोलता है सर इतने सारे डेट्स कहाँ से याद रखेंगे। अरे परी मैंने तो बोला ही नहीं ना करंट अफेयर की डेट याद रखने के लिए ज्यादा, आप अपने मन से क्यों रख रही हो, जितना मैं बोलूंगा डेट याद रखने के लिए उतने ही रखना है, अपने मन से क्यों रख रहे हो और करंट अफेयर यहाँ क्यों ला रहे हो, बिल्कुल याद नहीं, याद रखना ही नहीं है परी, काहे याद रख रहे हो इतनी डेट्स जब मैंने बोला ही नहीं है तो। क्लियर? तो ये 5 पॉइंट हो गए किसके, स्टार्टअप इंडिया के 5 बेनिफिट गवर्नमेंट तुमको देंगी। और एक चीज़ और, अगर अपन जो सब्जेक्ट अभी पढ़ रहे हैं ना अपन उसमें फोकस करते हैं, पूरा 100% अपन अपना उसमें डालते ताकि वो सब्जेक्ट तुम्हारे लिए अच्छा हो जाए। करंट अफेयर्स के लिए तुम मेरे ऊपर चिंता छोड़ दो ना, मैंने जो पढ़ाया है और जो और भी आगे पढ़ाऊंगा तुम्हारे को, तुम्हारा सब उसमें हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, आराम करने का जीवन में, टेंशन नहीं लेने का, समझ में? ज़्यादा टेंशन ले लेते तुम, पढ़ते कम हो टेंशन ज़्यादा लेते हो, ऐसा ना करो, पढ़ो ज़्यादा टेंशन कम लो, टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दो। मैराथन में भी ये सब मैं करवाऊंगा, ठीक है? चलिए चलते आगे। सब वाइटल पॉइंट्स पर्टेनिंग टू स्टार्टअप इंडिया, अब ये क्या है, जनरल चिल्लर पॉइंट्स है तो रिलेवेंट नहीं नीचे वाले पॉइंट्स, बट एक नॉर्मल के लिए कि गवर्नमेंट ने क्या करा हुआ है, स्टार्टअप इंडिया हब बनाया हुआ है। ये क्या होता है हब? स्टार्टअप इंडिया हब मतलब एक जगह जहां पे बेसिकली बाकी जो सारे स्टार्टअप्स के लोग रिलेटेड लोग होते हैं, जैसे स्टार्टअप्स में आपको बताऊंगा ना इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स मतलब जो पैसा लगाते हैं नए बिजनेस में। शार्क टैंक इंडिया देखते होंगे ना, शार्क टैंक इंडिया देखे नहीं देखे, क्या देखते हो बे? तो उसमें नहीं देखते तुम कि नया बिजनेस है मेरे पास, नया बिजनेस है, नया आइडिया है, मैं इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं पैसा लगाऊंगा, एग्जाम्पल के लिए, समझ में आ रही बात? सो स्टार्टअप इंडिया हब जो है बेसिकली एक ऐसी जगह बनाई है गवर्नमेंट ने जहाँ पे जो भी स्टार्टअप से रिलेटेड लोग होते हैं, ऑल स्टेक होल्डर्स का मतलब जो भी स्टार्टअप से रिलेटेड लोग हैं वो वहाँ पे आके क्या करते हैं, एक दूसरे से मीटिंग करते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ मीटिंग करते हैं और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है वो एक दूसरे के साथ मिलकर क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं। तो स्टार्टअप इंडिया हब इज अ प्लेस जहाँ पे लोग एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? स्टार्टअप इंडिया हब इज अ प्लेस जहाँ पे ऑल द स्टेक होल्डर्स मतलब जो भी रिलेटेड लोग हैं, स्टार्टअप से रिलेटेड लोग हैं, वो एक दूसरे के साथ आके क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं ताकि एक दूसरे का नॉलेज शेयर कर सके, एक दूसरे के बिजनेस में क्या चल रहा है, क्या नहीं अच्छा है, क्या बुरा है, वो डिस्कस कर पाए। क्लियर? दूसरा, इन्वेस्टर एडिंग टू द वैल्यू सिस्टम। अब ये क्या होता है, देख भाई ये जो बी वाला पॉइंट है ना बेसिकली, इसको मैं थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से समझाता हूँ, ये रट्टा या रट्टा नहीं लगाना है, नॉर्मल समझ। ये पॉइंट क्या है, देखो बी वन, बी का टू, बच्चे लोग रट्टा लगाते हैं, बी का टू, बी का थ्री, बी का फोर, बी का फाइव, ऐसा नहीं पढ़ने का, ये पूरा एक पॉइंट मैं एक साथ अच्छे से पढ़ाता हूँ आपको, फिर अपन एक बार वापस रीड भी करेंगे। बेसिकली हर एक बिजनेस के अंदर क्या होता है, देखो आप समझो, आज आपके पास एक नया आइडिया है, आपको एक नया बिजनेस करना है, अच्छी बात है, आपके पास वो आइडिया है लेकिन आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है बिजनेस करने का। मेरे पास बिजनेस करने का एक्सपीरियंस है, मेरे पास पैसा भी है, आपके पास पैसा भी नहीं है। अब क्या होता है, जब स्टार्टअप जो होते हैं ना वो लोग क्या करते हैं, वो एक इन्वेस्टर ढूंढते हैं। इन्वेस्टर का मतलब क्या हो गया, इन्वेस्टर का मतलब एक ऐसा बंदा जो उनके बिजनेस में पैसा लगाएगा और उनके साथ साथ उनके बिजनेस में उनका पार्टनर बन जाएगा। तू मेरे पास आए कि सर देखो मेरे पास ये बहुत बड़ी आइडिया है, मैंने बोला मेरे को अच्छा लगा तेरा आइडिया, अच्छा एक काम कर मैं तेरे बिजनेस में इन्वेस्टर बन जाता, मैं तेरे बिजनेस में पैसा लगाऊंगा। अरे वाह सर आप पैसा लगाओगे? हाँ, बस मेरे को एक काम कर, 50% शेयर मेरा, 50% इक्विटी मतलब शेयर मेरा, 50% का तू मालिक, तू काम कर पैसा मैं लगाता हूँ, तो मैं क्या बन गया तुम्हारे बिजनेस में, इन्वेस्टर। अब मेरा नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस तुम्हारे बिजनेस के लिए क्या आएगा, काम आएगा। अब मैं बिजनेस में आ गया, अब ये बिजनेस के अंदर मैं इन्वेस्टर हो गया ना, मैं आ गया, क्योंकि इसमें प्रॉफिट होगा तो भी मेरा भी प्रॉफिट है, लॉस होगा तो सॉरी थोड़ी तबीयत आज डाउन है इसलिए मैं बार बार बैठ रहा खड़े हो रहा हूँ, बट ठीक है चलता है। इन्वेस्टर जो है वो आएगा, पैसा डालेगा, अब उसके अंदर उसका भी इंटरेस्ट जगेगा ना कि भाई मैंने पैसा लगाया हुआ है, कल को नुकसान होता है या फायदा होता है तो दोनों मेरा भी रहेगा इक्वली। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इन्वेस्टर आने के बाद एक प्रॉपर मैनेजमेंट सेट करता हूँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के बनाता हूँ, कंपनी में कौन लीडर रहेगा, किसके नीचे कौन काम करेगा, किसके नीचे कौन रहेगा, एक हायरार्की, हायरार्की मतलब होता है एक मैं टीम वो बनाता हूँ, लेवल्स बनाता हूँ कि भैया ये हो गया कंपनी का हेड, भैया हम दो लोग कंपनी के हेड है, मैं फाइनेंस संभालूंगा, ये बिजनेस संभालेंगे, ठीक है ना, अब इसके नीचे हमारे चार चार पांच पांच लोग हैं। सो बेसिकली मैंने क्या बना दिया कंपनी, जब भी इन्वेस्टर बिजनेस में आता है ना तो वो उसको उसके पुराने बिजनेस का एक्सपीरियंस रहता है, उसने और धंधे किए रहते हैं तो उसको बहुत एक्सपीरियंस रहता है, तो सबसे पहले वो आके क्या करता, अपनी मैनेजमेंट टीम तैयार करता है,
ताकि वो बिजनेस को मैनेज करने, क्योंकि वो बंदा जो रहता है उसके पास आइडिया रहता है, उसको बिजनेस करना आता है, बट उसको बिजनेस को मैनेज कैसे करना वो नहीं आता है, ठीक है ना। तो लीडरशिप मैनेजमेंट वो लेके आता है ताकि बिजनेस जो है वो स्मूथ तरीके से क्या हो, चले। तो फैसिलिटेट स्मूथ ऑपरेशन इन स्टार्टअप, फंक्शनल एक्सपीरियंस जो भी उसको काम करना है वो करता है। अच्छा, दूसरा स्टार्ट, अब मैं तो इन्वेस्टर आ गया, मैंने तो पैसा लगा दिया, अब मैं क्या करूंगा, हमारे बिजनेस को बढ़ने के लिए और पैसा चाहिए, अब मैं अकेला कितना पैसा लगाऊंगा, तो मैं और इन्वेस्टर्स को लेके आता हूँ, अरे अपने दोस्त को बुलाता हूँ, ये देख मैंने पैसा लगाया है, बढ़िया है, तू भी लगा दे। अच्छा हाँ, एक काम कर, 20% तू रख ले, 50-50 हमारे पास है, 10 मैं दे देता, 10 ये दे देता, 20% तू रख ले, तू भी पैसा लगा। तो एडिशनल फंड्स रेस करने में इन्वेस्टर्स क्या करता है, हेल्प करता है। फिर नए नए लोगों को हायर करने में, रिक्रूटिंग टैलेंट्स। अब भैया बिजनेस चलाना है तो उसके और मेरे अकेले की बस की बात तो नहीं है ना, हमको क्या लगेंगे, एक्सपीरियंस पर्सन लगेंगे, टैलेंट लगेगा हमको एक्सपीरियंस वाला, ठीक है ना। तो हमको रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा टैलेंट की, टैलेंट मतलब न्यू लोगों की, एम्प्लॉयज की, जो हमसे ज़्यादा टैलेंटेड हो वो पर्टिकुलर काम में, ठीक है ना। तो अब इन्वेस्टर क्या करता है, आके टैलेंट्स को रिक्रूट करता है, हाई क्वालिटी बेस्ट टैलेंट जो होता है उसको क्या करता है, रिक्रूट मतलब अपॉइंट करता है। तो इन्वेस्टर ने आते से ही क्या कर दिया, कंपनी का मैनेजमेंट मैनेजमेंट सेट कर दिया, फंड्स वगैरह रेस करने में हेल्प करी ताकि और जो पैसा लगेगा, देखो कंपनी चलाना है तो उसमें ऐसा नहीं एक ही बार पैसा लगता है, मल्टीपल टाइम पैसा लगता है। अब मैंने आके एक टाइम, मैंने आते बराबर 1 करोड़ रुपए लगा दिए, बट वो 1 करोड़ रुपए में कंपनी का कुछ नहीं होगा, अब मेरे को और कंपनी आगे लेके जानी है तो और पैसा लेके आना पड़ेगा। तो इन्वेस्टर आके फंड्स रेस करने में हेल्प करता है, नए टैलेंट अपॉइंट करने में हेल्प करता है। अच्छा मजे की, वीसी का मतलब क्या होता है, वेंचर कैपिटलिस्ट, वो जो इन्वेस्टर होता है ना उसको वेंचर कैपिटलिस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट वीसी, इसका मतलब हो गया कि ये बंदा वो बंदा है जो इन्वेस्टर है, जो बिजनेस में क्या कर रहा है, पैसा लगा रहा है, ठीक है ना। अच्छा ये मार्केटिंग, मार्केटिंग में भी हेल्प करता है कि भैया देखो शाहरुख खान को लेके आ जाओ, और शाहरुख खान को तुमने लेके आ गया कि तुम्हारा ब्रांड बन गया। शाहरुख खान ने आके बोला कि ये क्या प्लेटफॉर्म है, आपके बच्चे को यहाँ से पढ़ाइए, आपके बच्चे के लिए ये साबुन एक नंबर है। शाहरुख खान ने साबुन लगा लिया कि आए है काम खत्म। तो मार्केटिंग में भी हेल्प करता है। मर्जर एक्विजिशन मतलब अपने से रिलेटेड जो छोटे मोटे लोग हैं, जैसे समझो बात को, अब भैया अपने साबुन की कंपनी है, अब छोटे मोटे साबुन वाले प्लेयर है, अपन उनको खरीद लेते हैं, उनको अपने अंदर मर्ज कर लेते हैं। मर्जर एक्विजिशन मतलब समझ लो आप अपने से नीचे वाले लोगों को या अपने से कॉम्पिटिटर्स को अपने साथ मर्ज कर देना या खरीद लेना। जैसे आपको पता है बायजूस आया था, बायजूस ने क्या करा, बायजूस ने आके व्हाइट हैट जूनियर, वो कोडिंग सिखाते थे, उसको भी अंदर ले लिया, छोटी मोटी क्लासेस सबको अंदर खरीद लिया, आकाश अक्षय आकाश को। तो उसका मतलब क्या हो गया, मर्जर एंड एक्विजिशन। लास्ट वाला पॉइंट काटना है, मैंने पहले काटा हुआ है। तो बेसिकली इन्वेस्टर आने के बाद क्या होता है बिजनेस के अंदर, एक मैनेजमेंट का सेटअप होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह बनाए जाते हैं, फंड्स रेस करने में हेल्प करता है, न्यू टैलेंट रिक्रूट करने में हेल्प करता है, मार्केटिंग में हेल्प करता है, मर्जर एक्विजिशन में हेल्प करता है। तो ऐसे ये 5 पॉइंट नहीं भी याद रहे तो चलेगा, लेकिन एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं आपको, याद ये वाले पॉइंट्स रखना है 5। ये तो नॉलेज के लिए, ये पॉइंट्स दीज आर ओनली फॉर नॉलेज, ठीक है ना, दीज आर ओनली, दिस पैराग्राफ इज ओनली फॉर नॉलेज, बट मैं अच्छे से इसलिए समझा कि ताकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज है मेरे हिसाब से। तो कोई भी इन्वेस्टर अगर बिजनेस में आता है तो उसको ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है। इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप, भैया देखो इन्वेस्टर जो अपना पैसा लगाता है उसके लिए वो रिस्की, रिस्की प्रपोजिशन मतलब क्या होता है कि भैया उसके लिए वो पैसा लगाना रिस्की तो है ही। देखो कोई भी बिजनेस रिस्क में, रिस्क तो है ही, रिस्क है तो इश्क है, तो इन्वेस्टर लगाता है पैसा तो रिस्क है तो कोई बात नहीं है। फॉरेन में भी कंपनीज को हेल्प करता है रजिस्टर में। क्लियर? क्लियर और नॉट? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आता है, रजिस्टरिंग स्टार्टअप कैन बी डन ओनली बाय द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंपनीज। अब ये क्या है भाई, देख अब हमने स्टार्टअप इंडिया के बेनिफिट्स को समझ लिए कि तुम्हारे को अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं स्टार्टअप इंडिया के अंदर। अब उसके अंदर मजे की बात पता है क्या, अगर तुमको स्टार्टअप इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड होना है, इफ यू वॉन्ट कि भैया हम स्टार्टअप इंडिया के अंदर क्या हो, रजिस्टर्ड हो, ठीक है ना, तुम्हारी कंपनी जाके स्टार्टअप इंडिया में क्या हो मालक, रजिस्टर्ड हो, इफ यू वॉन्ट दैट। सो भाई साहब उसमें एक चीज होती है कि अगर तुम्हारी कोई पार्टनरशिप फर्म है, अरे भाई ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारी क्या है कोई पार्टनरशिप फर्म है या तुम्हारी कोई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है, तुम्हारी कोई पार्टनरशिप फर्म है या तुम्हारी कोई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वापस से बोल रहा हूं, पार्टनरशिप फर्म है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है,
तभी तुम स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड हो सकते हो, अदरवाइज तुम स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड हो ही नहीं सकते। मतलब इफ पार्टनरशिप फर्म है तुम्हारी तो तुम स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड हो पाओगे, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है तो तुम स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड हो पाओगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो तुम स्टार्टअप इंडिया में क्या हो पाओगे, रजिस्टर्ड हो पाओगे, अदरवाइज तुम स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड हो ही नहीं सकते। सर मतलब समझा नहीं हमारे को, मतलब तुम इंडिविजुअल हो, सर मैं अपना नया बिजनेस कर रहा हूँ अकेले इंडिविजुअल लेवल पे, नहीं तुम स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। सर मेरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, सर पब्लिक कंपनी है, तुम भी नहीं हो सकते। ओनली पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वही इसमें क्या हो सकती है, रजिस्टर्ड हो सकती है। इसके अलावा पब्लिक कंपनी हो गई, इंडिविजुअल लेवल हो गया, ये इसके अंदर रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। क्लियर और नॉट क्लियर बताओ, यहां तक पहले बताओ क्लियर है कि फिर आगे बढ़ते हैं। पहले यहां तक कोई डाउट है कि मैं चैट में अब डाउट देखने के लिए बैठूंगा। और ये जो टाइम पास दो तीन लोग कर रहे हैं ना, हम ना करें, फिर अपन आगे की स्कीम पढ़ेंगे। हाँ आज पढ़ेंगे, एक स्कीम से हो गया छुट्टी, ऐसा थोड़ी ना होता है। बोलो यहां तक क्लियर कि कोई डाउट है तो मेरे को एक बार चैट, अभी डाउट आप बता सकते हो, अभी जो भी आपको यहां तक डाउट होगा मेरे को पूछ सकते हो, तो सिर्फ डाउट डाले अभी और कोई नहीं, फिर आगे हम बढ़ते। थोड़ा सा भाई तुम्हारा लो फील लग रहा होगा अगर, तो यार थोड़ा सा माफ करना, थोड़ी तबीयत डाउन लग रही मेरी एकदम से, तुम्हारी क्लास चालू करने के पहले से एकदम से मैंने अजीब सा लगने लग गया था, होता है कभी कभी। गुड टू गो, ओके। सो नेक्स्ट स्कीम आती है भाई स्किल इंडिया। अब मालक ये क्या है स्किल इंडिया, स्किल इंडिया क्या होती है मालक? देखो अब ये तो स्टार्टअप की बातें होगी, अब गवर्नमेंट ने एक और चीज के ऊपर फोकस करना चालू करी। गवर्नमेंट बोलती है यार देखो हमारी कंट्री में ना एक प्रॉब्लम है, तुमको क्या लगता है हमारी कंट्री में लोगों को जॉब क्यों नहीं मिलती, हमारी कंट्री में लोगों को जॉब क्यों नहीं मिलती, तुम्हारे को कभी सोचा है ये बात को, क्यों जॉब नहीं मिलती तुम्हारी अपनी कंट्री में लोगों को, क्यों लोग इतने अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं? लोग बोलते हैं हमारी कंट्री में लोग बहुत अनएम्प्लॉयड है, नौकरी नहीं है। कौन बोलता है भाई? मैं पिछले 3 महीने से स्टाफ ढूंढ रहा हूँ अच्छे 4-5, मेरे को नहीं मिल रहे। नौकरी की कमी नहीं है, नौकरी की देश में कमी नहीं है, ये गलत फहमी है लोगों की, नौकरियां तो बहुत है, प्रॉब्लम है लोगों के पास स्किल। डिग्री, डिग्री के भी तेल लगाने, डिग्री को स्किल नहीं है लोगों के पास, हुनर नहीं है। स्किल का मतलब होता है हुनर। सबसे बड़ी हमारी कंट्री में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो ये कि हमारी कंट्री में लेबर बहुत है बट वो लेबर स्किल्ड लेबर नहीं है। स्किल्ड का मतलब होता है हुनर नहीं है उनमें, हुनर का मतलब होता है तुमको कोई तो काम करते आना चाहिए ना। मैंने तुम्हारे को अगर अपने पास जॉब पे रखा, आज मेरे पास एक बंदी आई थी इंटरव्यू देने, मैंने उसको पूछा बेटा क्या आता है आपको, मैंने बोला ये आता है, हाँ, मैं बोला पक्का आता है, नहीं नहीं सर नहीं आता, अच्छा मैं बोला ये आता है, रिज्यूम में लिख के लाई उसने, मैंने ये आता है, हाँ, मैं दोबारा पूछता, मैंने पक्का आता है, नहीं आता, मैं सर 2 साल पहले देखी थी सर, करी थी फिर मैं भूल गई, अच्छा मैं बोला पैसे कितने लोगे मैडम, तो बोले 15,000 रुपये, मैंने बोला मैडम जयराम जी की मैं बताता हूँ आपको, काम उनको कुछ नहीं आता, पैसे उनको पूरे चाहिए। अब इसकी जगह अगर मेरे पास एक बंदा आता जिसके पास कोई स्किल होती, कोई टैलेंट होता, कोई हाथ में हुनर होता और वो मेरे को बोलता सर मेरे को 50,000 रुपये चाहिए, तो मैं मना करता क्या? नहीं। तो प्रॉब्लम ये है कि लोगों के पास स्किल नहीं है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारी कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कम करने के लिए, और दूसरी प्रॉब्लम मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए, क्योंकि मेक इन इंडिया तभी सक्सेसफुल बनेगा जब हमारी कंट्री में स्किल्ड लेबर्स बहुत होंगे। लेबर होने से कुछ नहीं होता है, लोग होने से कुछ नहीं होता है। चाइना और इंडिया में सबसे बड़ा फर्क यही है कि चाइना में स्किल्ड लेबर कैसे भी बना के देगा, लेकिन देगा जरूर बना के, स्किल है उसके पास। वो 50,000 का फोन तुमको 2,000 में बना के देगा? नहीं। तुम फिर बोलोगे सर उसका आवाज फट रही, साउंड फट रही, नहीं तो 2,000 में तुमको आईफोन चाहिए, फिर अगले ने बना के दिया ना, मतलब उसके अंदर टैलेंट है, स्किल है। सो ये स्किल इंडिया के तहत गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारी कंट्री के लोग कोई ना कोई टाइप की स्किल हुनर सीख ले। दैट स्किल दैट हुनर मे बी एनीथिंग, प्लम्बिंग प्लम्बर ये हुनर है भाई, तुम अपने हाथ में प्लम्बर, तुमको अगर प्लम्बिंग का काम आता है तो तुम जीवन भर भूखे नहीं मर सकते। तुम प्लम्बिंग का काम सीख लो, जीवन भर तुम्हारे पास काम रहेगा। तुमको पेंटिंग मारना आता है, जीवन भर तुम्हारे पास काम रहेगा। हमारे तो यहाँ पे ऐसा हो जाता है ना, छोटा काम है ये, बड़ा काम नहीं, छोटा काम है। अरे भाई छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, काम काम होता है। अम्मी जान बोलती थी, नहीं नहीं मेरी नहीं, वो रईस पिक्चर का एग्जाम्पल है। समझ मेरी बात? तो गवर्नमेंट ने स्किल इंडिया को क्या करा, प्रमोट करना चालू किया। अब यहां पे गवर्नमेंट क्या बोलती थी, कंटेंट्स ऑफ स्किल इंडिया
द कंटेंट्स ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. अब गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या बनाई, एक एनएचडीसी बनाई. एनएचडीसी मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका मेन काम है हमारी कंट्री में स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करना. एक कॉर्पोरेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ने बनाई जिसका मेन काम हमारी कंट्री में क्या है, स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करना. तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज अ नॉन फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी. ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट करी गई 31 जुलाई 2008 में बनाई थी अंडर द कंपनी एक्ट 1956. मतलब उस समय कंपनी एक्ट 1956 था, बट आज की तारीख में अगर मैं बोलूँ तो आपको याद रखना है सेक्शन 8 ऑफ 2013 कंपनी एक्ट. तो बेसिकली ये कंपनी है, कंपनी एक्ट के अंदर नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है ये, और ये कंपनी गवर्नमेंट ने बनाई है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और ये कंपनी एक्ट के सेक्शन 8 2013 के तहत बनी है. सर सेक्शन 25 लिखा है ना, वो तो पुराने कंपनी एक्ट का है ना, अभी का कौन सा है सेक्शन 8. तो सेक्शन 8 ऑफ द 2013 कंपनी एक्ट उसके तहत ये कंपनी गवर्नमेंट ने बनाई. समझ नहीं बात, ये कंपनी को सेटअप करने का काम किसने करा, एनएसडीसी वाज सेटअप बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. मतलब गवर्नमेंट ने एक कंपनी बनाई जिस गवर्नमेंट ने कंपनी बनाई जिसका नाम क्या हो गया, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. अब ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को बनाने के पीछे किसका हाथ है, गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट तो होगा ना. तो गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, MOF का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ये देखो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर द पब्लिक प्राइवेट मॉडल. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक आता है पब्लिक प्राइवेट मॉडल. तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर पब्लिक प्राइवेट मॉडल जो है, ठीक है ना, ये आता है. इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये कंपनी के अंदर आम जनता, पब्लिक प्राइवेट जो बोलते हैं हम जिसको, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वो भी पार्टनर रहेंगी प्लस गवर्नमेंट भी पार्टनर रहेंगी. बनाने के पीछे सेटअप किसने करा इसको, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने. तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस MOF मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन्होंने सेटअप किया है किसको, एनएसडीसी को. कौन से मॉडल के तहत, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब गवर्नमेंट एंड पब्लिक, यानी पब्लिक एज इन प्राइवेट पीपल्स, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट पीपल्स ये दोनों मिलके क्या करेंगे, साथ में काम करेंगे. मतलब ये कंपनी के अंदर गवर्नमेंट भी शेयर होल्डर होंगी, हिस्सेदार होंगी, पार्टनर होंगी, और प्राइवेट कंपनी भी क्या होंगी इसके अंदर, पार्टनर होंगी. तो बेसिकली ये जो एनएसडीसी बनाई गई इसके अंदर दो लोग पार्टनर है आज की तारीख में. 49% हिस्सा, ध्यान से सुनना, 49% हिस्सा गवर्नमेंट के पास है, 51% हिस्सा प्राइवेट के पास है. मतलब गवर्नमेंट ने किसने, देखो वापस किसने बनाया ये ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्या बनाई, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक कंपनी बनाई, कंपनी एक्ट सेक्शन 8 2013 के तहत. उसके अंदर गवर्नमेंट ने दो लोगों को शेयर होल्डर बना दिया. पहला गवर्नमेंट खुद 49% की शेयर होल्डर बन गई. अब गवर्नमेंट खुद ऐसे गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, सर कौन सा डिपार्टमेंट, तो गवर्नमेंट का MSDE बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ऑन एंटरप्रेन्योरशिप. ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट जिसका नाम है MSDE बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसका काम ही स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना है, ठीक है ना. सो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप इसके 49% का हिस्सेदार बन गया और 51% के हिस्सेदार प्राइवेट सेक्टर बन गया. तो ऐसे करके ये क्या बना दी गई, एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई, एक कंपनी बन गई. उसमें सर गवर्नमेंट का हिस्सा कम है, हाँ गवर्नमेंट का हिस्सा कम है, आप सही सुन रहे हो. MSDE बोले तो मेरे साथ रिपीट करो ये सारी चीजें तो आपको याद रहेंगी, नहीं तो याद नहीं रहेंगी. क्लियर, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, क्लियर. अब NSDC एम्स टू प्रमोट स्किल डेवलपमेंट बाय कैटलाइजिंग क्रिएशन ऑफ लार्ज एंड क्वालिटी फॉर वोकेशनल इंस्टीट्यूशन. सर ये क्या है, देखो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने सेटअप करा NSDC को, मेरे साथ बोलो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने सेटअप करा NSDC को. ये साइड साइड में मैंने जो पैराग्राफ के बदले में चार्ट बना के रखी है ना, ये इसीलिए बना रखी है कि तुम लोग घर में इसको बना लो साथ में और तुमको बाद में पढ़ते समय हार्ड ना लगे. नहीं तो क्या होता है ना प्रॉब्लम, तुम एक एक लाइन पढ़ते जाओगे और तुमको हार्ड लगेंगी, समझ में नहीं आएंगी. उससे ये चार्ट पढ़ोगे तो तुम्हारे को इजीली वो चीज़ें कैप्चर तुम्हारे माइंड में हो जाएंगी, ठीक है ना. तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्या सेटअप किया, NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. ये स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन क्या कर रहा है, क्या ये स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है हमारे कंट्री के लोगों को? नहीं, आपको क्या लग रहा है कि NSDC हमारी कंट्री में लोगों को स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है? ये एक कंपनी बनाई गई, ये कंपनी का काम है अपने नीचे में अलग अलग वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलना. वोकेशनल का मतलब होता है स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोलना. मतलब NSDC क्या कर रहा है, NSDC बेसिकली अपने अंडर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, पूरे देश में जितने डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, उसके अंदर अलग अलग वोकेशनल
इंस्टीट्यूट सेटअप कर रहा है, वोकेशनल मतलब स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, स्किल ट्रेनिंग सेंटर, जो स्किल ट्रेनिंग सेंटर पे लोगों को स्किल सिखाई जाएंगी। सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने सेटअप करा है एनएसडीसी को, ताकि वो स्किल को प्रमोट कर पाए, स्किल ट्रेनिंग को, स्किल इंडिया को। अब एनएसडीसी क्या कर रहा है, अपने अंदर छोटे छोटे कस्बों में मतलब डिस्ट्रिक्ट में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोल रहा है। वो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का काम क्या है, स्किल ट्रेनिंग सेंटर का, कि भैया वो क्या करे, क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड करे किसको, पब्लिक को। तो अब तुम चाहते हो कि नहीं मेरे को प्लम्बिंग का काम सीखना है, अभी छोड़ो सी एस वी एस हमसे तो ना हो पाएगा, ना ना हम नहीं कर पाएंगे, चलो भैया हम तो भैया हम प्लम्बर बन जाते हैं, तो चले जाओ स्किल ट्रेनिंग सेंटर में, तुम्हारे को काम सिखा दिया जाएगा। सर पैसे लगते हैं क्या? नहीं, बहुत कम, नहीं के बराबर नहीं लगते हैं। तो वहां पे तुम्हारे को क्वालिटी ट्रेनिंग दी जाएंगी। सो बेसिकली एनएसडीसी का काम क्या है, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोलना। और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर यानी स्किल ट्रेनिंग सेंटर एक ही मतलब होता है दोनों का, उनका काम क्या है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ट्रेनिंग एनएसडीसी प्रोवाइड नहीं करती, वो सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलती है। मरियम थैंक यू। क्लियर? हाँ बोले या ना बोले, क्लियर और नॉट? अब तुम्हारे लिए पैराग्राफ इजी बन जाता है, जब मैं चार्ट फॉर्म में ऐसे छोटा सा बना देता हूँ तो पैराग्राफ फॉर्म में तुम्हारे को उल्टी आने लग जाती है, ठीक है ना। क्वालिटी अश्योरेंस, अच्छा दी, अब यहाँ पे देखो ये लाइनें पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, चार पाँच, ये पंचायत लिख के दी हुई है कि भाई एनएसडीसी बोलता है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खुलवाता है, वो हमने पढ़ ली। बेसिकली गवर्नमेंट का फोकस क्या है, द डिफरेंशिएटेड फोकस ऑन 21 सेक्टर अंडर एनएसडीसी प्रीव्यू, इट अंडरस्टैंडिंग द वायबिलिटी विल मेक एवरी सेक्टर अट्रैक्टिव टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। को क्या हो रहा है, हमारी गवर्नमेंट ने अभी स्टार्टिंग में 21 सेक्टर्स जो है, सेक्टर्स एरियाज, उस पर फोकस किया हुआ है कि उनसे रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग अगर लगती है, स्किल ट्रेनिंग, वो प्रोवाइड कर रही है। जैसे तुम्हारे को मैकेनिक का काम सिखा देंगे तो क्या होगा, अब तुमको मैकेनिक का काम आता है तो कोई भी कार कंपनी इंडिया में आती है तो तुमको बढ़िया तरीके से वहाँ पे क्या मिल जाएंगे, जॉब मिल जाएंगी। या तुम खुद का गैरेज खोल के भी काम कर सकते हैं। तुम्हारे को बढ़िया तरीके से गवर्नमेंट ने क्या बोलते ये सिखा दी, प्लम्बिंग का काम, तो कोई भी बड़ी पाइप कंपनी, नल कंपनी आती है तो वो तुम्हारे को अपने अंडर ले लेंगी। सो बेसिकली गवर्नमेंट ऐसे 21 सेक्टर्स पे फोकस कर रही है और उन सेक्टर से रिलेटेड क्या प्रोवाइड कर रही है, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रही है, ताकि तुम वो ट्रेनिंग ले लो, स्किल सीख लो, वो स्किल सीखने के बाद तुम कोई भी कंपनी में जाके क्या कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। देखो प्रॉब्लम यही है, कंपनीज इंडिया में तो खुल जाएंगी, कंपनी तो खुलेंगी, लेकिन प्रॉब्लम साला ये है ना कि कंपनी खुलने के बाद वो कंपनी को स्किल्ड लेबर चाहिए, जिनको काम आता हो। अब वो काम जिनको आता है उनको चाइना या दूसरे देश से तो लेके नहीं आएंगी, इंडिया के लोगों को ही अपॉइंट करेंगे। तो गवर्नमेंट तुम्हारे को वो कंपनी के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से पूरा ट्रेनिंग दे रही है स्किल ट्रेनिंग सेंटर में, समझ में आ रही बात, ताकि दोनों का काम हो जाए, एक तो इंडिया में प्रोडक्शन भी बढ़े, ऑटोमेटिकली तुम्हारे को नौकरी भी मिले। तो इंडिया और चाइना में सिर्फ यही फर्क है, एक पॉपुलेशन तो दोनों जगह है, बट साला प्रॉब्लम यहाँ पे और वहाँ पे क्या है कि अपने कंट्री में, बुरा नहीं मानना, मैं भी हूँ उसके अंदर, हमारी कंट्री में प्रॉब्लम क्या है, स्किल नहीं सिखाई जाती कोई, बचपन से सिर्फ रट्टा मारना सिखाया जाता है, एग्जाम देना सिखाया जाता है, स्किल नहीं सिखाई जाती। भाई कुछ तो काम आना चाहिए ना, आज मैं ग्रेजुएशन वाले बंदे को पकड़ लेता हूं, उसको साला नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले बंदे को काम करते नहीं आता कोई, तो वो वर्थ इट वाला बंदा है कि जिसने कोई ट्रेनिंग ली हुई, 10वीं पास है लड़का एक अपना, उसने ट्रेनिंग ली हुई है, वो ज्यादा वैल्यूएबल है मेरे लिए। तो स्किल आना जरूरी है, तो ये स्किल के ऊपर हमारी कंट्री क्या कर रही है, बहुत ज्यादा फोकस कर रही है थ्रू दिस एनएसडीसी। क्लियर? ध्यान से सुनना, द डिटेल्स ऑफ वेरियस स्कीम इनिशिएटिव प्रोवाइडेड आर, हाँ प्राइवेट कंपनी मतलब प्राइवेटली ओन्ड, द डिटेल्स ऑफ वेरियस स्कीम्स इनिशिएटिव्स आर प्रोवाइडेड बिलो। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, ये जो मैं वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, स्किल ट्रेनिंग सेंटर, इनको क्या बोला जाता है, मॉडल ट्रेनिंग सेंटर, इनका मतलब इनको क्या बोला गया, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र। कौशल मतलब स्किल, प्रधानमंत्री मतलब आ रहे मोदी जी है ना, प्रधानमंत्री साहब, कौशल मतलब स्किल, स्किल कौशल, स्किल काम आना चाहिए ना, ऐसे ही होता है मेरे हिसाब से, कौशल गलत बोल रहा हूँ तो अलग बात है, ठीक है ना। केंद्र मतलब सेंटर, तो स्किल ट्रेनिंग सेंटर क्या कर दिए गए, बनाए दे रहे, तो प्रधानमंत्री कौशल केंद्र जो है हमारे, ठीक है ना, वो सेटअप करे जा रहे हैं, वो सेटअप करे जा रहे हैं। थोड़ी देर बैठ जा, देखो आता है तो थोड़ी देर बैठ जा, ठीक है ना। तो कौशल केंद्र, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिसको हम मॉडल ट्रेनिंग सेंटर क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो वोकेशनल ट्रेनिंग नीड्स टू बी मेड एस्पिरेशनल टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड।
इन लाइन विद दिस सेम मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप इंटेंस टू एस्टैब्लिश विजिबल एस्पिरेशनल मॉडल ट्रेनिंग सेंटर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री एनएसडीसी इज इंप्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर द प्रोजेक्ट. मतलब वही बता रहा है कि भैया ये जो मॉडल ट्रेनिंग सेंटर है, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र है, ये एनएसडीसी क्या कर रही है, इंप्लीमेंट कर रही है, ये बना के दे रही है. क्लियर. अच्छा ये तीन लाइनें कोई काम की नहीं, इसको काट लेना. जहां मैंने कटिंग मारी हुई है पहले चुपचाप काट लेने का, कोई काम का नहीं तुम्हारे. अब सर मान लो सर ये स्किल ट्रेनिंग सेंटर हमको खोलना है, हम खोल सकते हैं क्या? बिल्कुल खोल सकते हो, काहे नहीं खोल सकते हो. सर मैं खोलना चाहता हूँ स्किल ट्रेनिंग सेंटर, खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. सर पैसा नहीं है हमारे पास, बता रहे हैं फंडिंग सपोर्ट दे रही है गवर्नमेंट. मतलब देखो एनएसडीसी का काम क्या है कि हर डिस्ट्रिक्ट में मॉडल ट्रेनिंग सेंटर ओपन हो जाए जहां पे लोगों को स्किल की ट्रेनिंग दी जा सके. अब स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए क्या लगेगा? पैसा. आम पब्लिक ही खोलेंगे ना, तुम मैं हम जैसे ही कुछ लोग होंगे, नौजवान, तुम नौ मैं जवान, समझ में आई बात? तो हम जैसे कोई नौजवान लोग होंगे वही खोलेंगे. अब पैसा लगता है उसके लिए, तो यहां पे एनएसडीसी क्या बोलती है, टेंशन नहीं लेने का. आपको मॉडल ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए, मतलब वो प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, मतलब वो स्किल सेंटर खोलने के लिए अगर पैसा लगता है तो कोई भी सेंटर खोलने के लिए दो चीजें लगती है. आप देखो कोई कोचिंग क्लासेस खोलते हैं अपन, चलो सेंटर नहीं समझ में आता तो कोचिंग क्लासेस खोलते हैं अपन एक मिनट के लिए. स्किल ट्रेनिंग सेंटर और कोचिंग क्लास में कोई फर्क थोड़ी ना है, दोनों में बिल्डिंग लगेंगी, मशीनरी वेशीनरी लगेंगी, इक्विपमेंट लगेंगे ट्रेनिंग देने के लिए. ट्रेनिंग एड होता है, प्लांट एंड मशीनरी होती है, ट्रेनिंग एड मतलब ट्रेनिंग देने का सामान. और सिविल वर्क होता है भैया, बिल्डिंग विल्डिंग, फिर छपरा उपरा ऊपर से लगा दो, छपरा ऐसे छत वत, जहाँ पे भैया हम ट्रेनिंग सेंटर देंगे. सो एनएसडीसी जो है वो ये क्या कर रही है, ये तुम्हारे को मॉडल ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए भी पैसे दे रही है. बोलती है कि भाई तुम्हारा जितना भी मॉडल ट्रेनिंग सेंटर खोलने में पैसा लग रहा है, प्रोजेक्ट कॉस्ट जितनी भी है इसकी, उसका 75% एनएसडीसी तुमको लोन दे देंगी. भैया तुम गए, तुम बोले हमारे को मॉडल ट्रेनिंग सेंटर खोलना है, हम बोले ओके कितना पैसा लग रहा है? अरे बाबू हमारे को लग रहा है, समझ लो तुम 1,00,000 रुपये लग रहा है. अच्छा 1,00,000 रुपये लग रहा है, तो 1,00,000 रुपये तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है. कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट ट्रेनिंग एड इन सब से रिलेटेड, ये तुम्हारा क्या है, ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर है. हाँ ये लग रहा है भाई हमारे को कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई दिक्कत नहीं. 75,000 एनएसडीसी से ले जाओ लोन, लोन इंटरेस्ट लगेगा 75%. सर वो 85% अलग स्कीम थी, ये 70, कंफ्यूज मत होना, 75% लोन ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं. मतलब बताओ साला एनएसडीसी तुम्हारे को स्किल सेंटर खोलने की परमिशन भी दे रही है, साथ ही साथ तुम्हारे को जो पैसा लग रहा है स्किल सेंटर खोलने के लिए उसका 75% तक लोन भी दे रही है. खोल लो स्किल सेंटर, बढ़िया बढ़िया, आप अपने लोगों को स्किल ट्रेनिंग दो ताकि तुम भी कमाओ, ट्रेनिंग लेके बच्चा भी कमाए. क्लियर. तो ये फंडिंग सपोर्ट, एनएसडीसी विल प्रोवाइड अ कंसेशनल सिक्योर्ड लोन फंडिंग पर सेंटर अप टू 75% ऑफ द प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट कवर्ड ओनली ट्रेनिंग प्लांट एंड मशीनरी, ओनली ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इंक्लूडिंग प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट ट्रेनिंग एड. ट्रेनिंग एड समझता है ना, ट्रेनिंग एड मतलब ट्रेनिंग देने के लिए सामान जो लगता है. भैया ट्रेनिंग देंगे तो भैया उसमें अब तुम्हारे को प्लम्बिंग का काम सिखा रहे तो उसके लिए प्लम्बर का वो नल वल लगेगा कि नहीं, वो पाना पेचकस क्या बोलते हैं उसको, तुम इससे नल खोलते हैं वो लगेगा ना, तो वो सब चीज़ें. तुमको इलेक्ट्रिक का भी ट्रेनिंग दे रहे तो वो सब चीज़ें सामान सिखाने के लिए. सिविल वर्क प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर मतलब होते हैं कि जो जगहों पे तुम सिखाओगे, बिल्डिंग हो गई या जो पहले से ही बना बनाया स्ट्रक्चर है वहाँ पे, तो वो सब के लिए तुम्हारे को जो भी खर्चा लगता है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है. उसके लिए 75% तुम्हारे को लोन मिल जाएगा. अच्छा दूसरा ऑपरेशनल सपोर्ट, उसके लिए मैं यहाँ पे देखो ऑपरेशनल सपोर्ट का मतलब क्या होता है, ये पैराग्राफ से आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए मैंने आसान भाषा में लिखा, ये पैराग्राफ आपको समझ में नहीं आएगा. इंस्टीट्यूट चलाने के लिए जो रेगुलर सपोर्ट लगता है, अब भैया तुमको इंस्टीट्यूट चलाना है, टीचर अपॉइंट करना है, ट्रेनिंग देने वाले लोग अपॉइंट करना है, वो टीचर जो तुम अपॉइंट कर रहे हो ट्रेनिंग देने वाला उसको तो काम आना चाहिए पहले, तब तो वो आगे ट्रेनिंग देगा, ठीक है ना. तो वो कैसे मैनेज करना है, कैसे इंस्टीट्यूट चलाना है, इसको कहा जाता है ऑपरेशनल काम. मतलब वो इंस्टीट्यूट रन कैसे होगा, स्किल सेंटर में स्किल ट्रेनिंग दी कैसे जाएंगी. अब तुमको मैकेनिक का काम सिखाना है तो उसके लिए तुमको एक मैकेनिक सिखाने वाला टीचर लगेगा ना कि नहीं लगेगा, तो वो तो बेसिकली इंस्टीट्यूट चलाने के लिए जो रेगुलर सपोर्ट लगता है वो सपोर्ट, जो इंस्टीट्यूट चलाने के लिए रेगुलर सपोर्ट लगता है वो सपोर्ट तुम्हारे को
एनएसडीसी क्या करेंगी, प्रोवाइड करेंगी। तो बेसिकली एनएसडीसी क्या कर रही है, तुमको वो भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है जो भी तुमको इंस्टीट्यूट चलाने के लिए क्या हो रहा है लग रहा है। सो वॉट एवर सपोर्ट आपको लग रहा है इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, वो भी आपको एनएसडीसी क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है। नीचे आता है इंटरनेशनल स्किल ट्रेनिंग, कंट्रीज एबिलिटी पोटेंशियल और ग्रोथ इज डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ यूथ पॉपुलेशन। मतलब एक कोई भी कंट्री, देखो एक चीज बताओ, क्यों बार बार ऐसा वर्ल्ड में बोला जा रहा है कि इंडिया के पास एक कैपेबिलिटी है, इंडिया ही ऐसी कंट्री है जो आगे चल के वर्ल्ड पावर बन सकती है। कभी तुमने सोचा है कि ये बात, वाई नॉट पाकिस्तान आथू, वैसे तो पाकिस्तान के नाम से वो तो खैर नहीं बन सकती, वाई नॉट एनी अदर कंट्री, वाई ओनली इंडिया, वाई नॉट एनी अदर कंट्री, वाई ओनली इंडिया, कि इंडिया हैज द कैपेसिटी कैपेबिलिटी टू वो वर्ल्ड पावर बन सकता है। उसका सिंपल रीजन है हमारी कंट्री की यूथ पॉपुलेशन, हर कंट्री के मुकाबले हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। बट पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन ये पॉपुलेशन नुकसानदेह नहीं है, नुकसानदेह नहीं है। मतलब अब घर में लोग बहुत ज़्यादा है तो सोच के देखो, घर में अगर बुढ़े ज़्यादा होंगे तो घर चलना मुश्किल है, घर में बच्चे ज़्यादा होंगे तो भी घर चलाना मुश्किल है। लेकिन घर में लोग बहुत ज़्यादा है लेकिन घर में यंग लोग ज़्यादा है, जवान यंग पीपल ज़्यादा है तो कमाने वाले लोग ज़्यादा है ना। तो सेम इंडिया के साथ है, इंडिया हमारा घर है, इंडिया में यूथ पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा है। अगर ये यूथ पॉपुलेशन को हार्नेस, मोटिवेट, स्किल्ड, स्ट्रीमलाइन करा जाए, इनको लाइन से लगाया जाए, इनको मोटिवेट रखा जाए, इनको हार्नेस मतलब इनकी कैपेबिलिटी बाहर निकाली जाए, इनको स्किल ट्रेनिंग दी जाए, तो ऑटोमेटिकली हमारी कंट्री जो है वो वर्ल्ड पावर बनने की कगार पे आ जाएंगी। सो द ओनली एडवांटेज विच वी आर हैविंग अदर देन बाकी कंट्रीज के मुकाबले, सो इज दैट हमारी पॉपुलेशन तो ज्यादा है बट उसके साथ साथ यंग पॉपुलेशन ज्यादा है। वेरस इंडिया अगर रिलेटिव एडवांटेज में बोलूँ ना तो बाकी चाइना हो गया, इंडोनेशिया हो गया, वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है बट उनसे ज़्यादा हमारे को एडवांटेज क्यों है, क्योंकि हमारी कंट्री में डेमोग्राफिक फीचर मतलब यंग पॉपुलेशन क्या है ज़्यादा है, इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारी कंट्री की बहुत तारीफ हो रही है। तो इंडोनेशिया और चाइना का कंपेरिजन करें, सो इंडिया एज अ रिलेटिव एडवांटेज और प्रेजेंट ओवर कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यंग पॉपुलेशन इवन कंपेयर टू लार्ज एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग एशियन कंट्रीज सच एज चाइना, इंडोनेशिया। तो अदर देन इंडिया उनके भी डेमोग्राफिक फीचर हमारे से इतने अच्छे नहीं है जितने हमारे हैं, क्योंकि हमारे पास हिंदी में बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं यार उसको, मैं गलत वर्ड अपना लूँगा, बच्चे बुला लेंगे, यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है ना। तो जब यंग इतने सारे ज़्यादा लोग हैं तो क्या ही जीवन में टेंशन है, क्लियर। अच्छा एक चीज़ सुन लो, चैप्टर ख़त्म हो गया, वैसे थोड़ा सी बाकी है बट कल मैं ख़त्म करूँगा, अभी नहीं। ये जो एक पार्ट है ना ये नहीं पढ़ना है, ओनली फॉर रीड है ये, इफ़ यू वॉन्ट टू रीड यू कैन रीड, क्योंकि ये अब पुरानी पॉलिसी हो चुकी है, हट गई, मतलब अभी अपने काम की नहीं है, कभी नहीं आई है और ना आएंगी, है ही नहीं, मतलब बेसिकली अपन इसको अलग अलग जगह पे कवर करें, क्योंकि ये ओनली फॉर रीड दिख रही है। नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये अपन ने ऑलरेडी कवर कर ली है, तो ये जो आपको यहाँ से लेके ये दो पेज दिख रहा है ना, यहाँ तक का, ये यहाँ तक का पेज जो आपको दिख रहा है दो पेज, यहाँ तक नहीं पढ़ना, इसके आगे का मैं कल पढ़ाऊंगा। कल मैं चाह रहा था आज खत्म कर दूं चैप्टर, लेकिन चलो ठीक है, एकदम उल्टी ना आ जाए इसलिए कल लेंगे, कल हो जाएगा, बट कल चैप्टर भी हो जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर भी चालू हो जाएगा, छोटा सा ही पढ़ बाकी है, थोड़ी देर में हो जाएगा। तो ये दो पेज इफ यू वांट यू कैन रीड वंस, मैं इसीलिए यहाँ पे रोक रहा हूँ क्लास, इफ यू वांट यू कैन रीड यहाँ तक, ठीक है ना। वैसे हमने इसको अलग अलग जगहों पर कवर करे है, लेकिन आपको पढ़ने की कोई दूर दूर तक जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, हर बैच में बताता हूँ, ये देखो जस्ट फॉर रीड लिखा ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। तो इफ यू वांट ये यहाँ से लेके देख लो, नेशनल पॉलिसी ऑन डेवलपमेंट यहाँ से लेके, ये सिर्फ पॉलिसी दी हुई है जो हमने अलग अलग जगह पे कवर करी है, तो इफ़ यू वांट यू कैन रीड फ्रॉम हियर, अदरवाइज नहीं रीड करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कल हमारा ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा, मतलब आज हो जाना चाहिए था बट ठीक है, कल इसको हम करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे आगे, ठीक है। सो मालक मिलते हैं कल के लेक्चर में, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना।